से जुड़ा हुआ है और उसके साथ है। बार एसोसिएशन की तरफ से मैंने कहा कि देखिए अधिवक्ता तो दोस्तों को पानी पिलाता है और आज वो मांग रहे हैं तब भी पानी पी रहे हैं। अरे तो उनका अधिकार है, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं और उनको मांगना भी चाहिए क्योंकि अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। न्यायपालिका के लिए या बार के लिए जो कुछ भी मांगेंगे वह प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में ही होगा, उससे अलग नहीं होगा। हम भी बार बार जब मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की बैठक होती है तो न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के होती है, न्यायपालिका से संबंधित उन मुद्दों को लेकर के होती है जो प्रदेश को सही और सस्ता न्याय देने के लिए हम आगे बढ़ा सकते हैं और उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की तमन्ना सबकी है, शासन की भी वही मंशा है और राज्य की भी, शासन की भी वही मंशा है, न्यायपालिका की भी वही मंशा है और बार जब उसके साथ जुड़ जाता है तो उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यहां पर माननीय न्यायमूर्ति मुख्य न्यायमूर्ति जी ने यहां पर अधिवक्ता चैंबर की भी जो बात कही है, हम मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था यहां पर करने जा रहे हैं और इसके लिए पूरी धनराशि राज्य शासन ने उपलब्ध करवा दी है और मेरा मानना है कि इसका पूर्ण होते ही बड़े पैमाने पर अधिवक्ताओं के चैंबर्स वहां पर बन पाएंगे। 2500 एडवोकेट चैंबर बनाने, 10000 अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था वहां पर हो पाएगी और उसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई अन्य समस्या वहां पर आनी चाहिए। राज्य शासन ने यहां पर पहले ही एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की अपनी सहमति दे दी है, हम उसके लिए धनराशि पूरा देना चाहते हैं। जमीन के बारे में कोई सहमति बन सकती है तो हम उसके लिए भी पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि प्रयागराज न्याय की धरती है, शिक्षा की धरती है और अच्छी लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज की धरती पर होनी ही चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर वह होनी चाहिए। 900 से अधिक राशि का भुगतान न्यासी समिति के द्वारा अब तक किया गया है और मृतक अधिवक्ताओं के विधिक उत्तराधिकारियों को भी आर्थिक सहायता के रूप में इस दौरान 111,81,50,000 रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। इसके अलावा केवल हाईकोर्ट में ही नहीं, जनपद न्यायालयों में भी अभी मुख्य न्यायमूर्ति महोदय ने और राज्य शासन को इसके बारे में निर्देश भी दिया था और मैंने स्वयं भी इसकी बैठक ली थी कि जहां पर अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बने हैं वहां पे इंटीग्रेटेड कोर्ट बिल्डिंग बनाने के साथ साथ हम लोगों ने जिला मुख्यालयों को भी और कमिश्नरी मुख्यालय को भी इंटीग्रेटेड मुख्यालय बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। हम लोग चाहेंगे कि वास्तव में एक मॉडल बनेगा, ये न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए, पूरी न्यायिक व्यवस्था के लिए भी और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी। इस पर कार्य हमारा बहुत तेजी के साथ आगे चल रहा है लेकिन साथ साथ जनपद न्यायालयों में भी अधिवक्ताओं के चैंबर बने। वास्तव में एक गरीब जब आता है और जब देखता है घूम फिर करके चारों ओर देखता है वो तो बड़े विश्वास के साथ आता है कि मैं वकील साहब के पास जा रहा हूं, लेकिन जब वो जाता है और अधिवक्ता के चैंबर में बैठता और उसको दिल में ही जब आसमान नजर आने लगता है वहां से, क्योंकि टूटा हुआ चैंबर रहता है, टूटे हुए चैंबर से उसको जब सूरज की रोशनी में दिखाई देता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं आशंका होती है कि क्या मैं सही जगह आया हूं या कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत जगह आ गया हूं। और इसलिए शासन ने कहा है कि भाई हमें जगह दीजिए, हम लोग अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चैंबर वहां बनाना चाहते हैं क्योंकि अधिवक्ता के लिए ये स्वयं के लिए शोहरत हासिल करने का माध्यम नहीं बल्कि गरीब को न्याय देने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा। वहां पर अगर उनके अच्छे बैठने की व्यवस्था होती है तो जो वादकारी आता है उस वादकारी को भी विश्वास उस पर टिकता है और वादकारी का विश्वास किस बात पर होता है, एक अधिवक्ता के पास जब आता है तो वह असमंजस में रहता है क्योंकि अपनों के द्वारा ठुकराया रहता है बहुत सारे लोग, और बहुत बार तो विवाद भाई भाई में होता है, छोटा सा विवाद है
वे बैठ करके भी समाधान कर सकते थे, लेकिन वह स्थिति वहां तक पहुंच चुकी होती है कि वह उसे न्यायालय का दरवाजा खटखटाना ही पड़ता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।